हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दुहाई डिपो में, और आज मैं आपको इस दुहाई डिपो का काम दिखाने वाला हूं। अब आप पूछोगे कि भाई ये दुहाई डिपो क्या है, तो ये दुहाई डिपो है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कि इस देश में पहली बार बनाया जा रहा है, और जिसे कि कहते हैं दिल्ली मेरठ RRTS, और इसे बना रही है NCRTC और उनकी टीम। और दुहाई डिपो में ही इसका ट्रेन लगने वाला है, यानी कि इसका जो ट्रेन है ना उसका घर यही है, दुहाई डिपो। जी हाँ, और आज आपको यही दिखाने लाया हूँ कि किस तरीके से इस जगह पर दुहाई डिपो में काम किया जा रहा है और कितना कुछ काम यहाँ पर कर लिया जा चुका है। और वैसे आप अगर दुहाई डिपो आते हो ना, तो यहाँ पर आपको वो ट्रेन भी दिख जाएगा जिसको हम और आप अगले साल यानी कि मार्च से यूज़ कर सकते हैं और ट्रेवल करके आगे की तरफ जा सकते हैं। वैसे ये जो पूरी परियोजना है ये स्टार्ट होती है दिल्ली के सरायकालिका से जाएगा मेरठ तक, लेकिन अगले साल यानी कि इसका जो फेज़ वन बनाया जा रहा है वो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में ही। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से लेकर ये जाएगा दुहाई डिपो तक, यानी कि यहाँ तक आएगा ये, और यहीं का आपको काम दिखाने वाला हूँ। इस दुहाई डिपो में टोटल 17 लाइंस होने वाले हैं, जिसमें से 11 स्टेबलिंग लाइन है, 2 वर्कशॉप की लाइन है, 3 इंटरनल बे लाइन है एंड 1 हेवी इंटरनल क्लीनिंग लाइन है। और ज़्यादातर जो ट्रैक है उनको डालने का काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जा चुका है। अब उनके ऊपर जो ब्लास्टर डालने का काम है वो किया जा रहा है। तो ये जो व्हीकल आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ट्रैक्टर ही है भाई, ट्रैक्टर का बस व्हील जो है वो चेंज कर दिया है, तो इसकी मदद से उसी काम को यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे इस जगह पर ये जो RRTS का ट्रेन है वो तो बहुत पहले ही आ चुका था, टेस्ट रन करते हुए आपको टीम नज़र आ जाएगी। और इस वक्त पे टेस्ट रन में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको इन्हें चेक करना होता है, जैसे कि हॉर्न्स, ब्रेक, जो इसके जो गेट लगे हैं, बाकी जो सिस्टम्स लगे हैं, जो सेंसर्स लगे हैं, उन सभी का। तो इस तरफ इसका होने वाला है यार्ड, जहाँ पर ट्रेन जाकर लगेगा, और इस तरफ से आएगा ये, यानी कि दिल्ली की तरफ से आ सकता है, मेरठ की तरफ से आ सकता है, और ये लाइन आगे वहीं जा रही है। यहाँ पर वैसे देखोगे तो एक अंडरपास भी बनाया गया है, और अंडरपास का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक रोड है जो कि आसपास के जो गांव है उनको आपस में कनेक्ट करता है, और गांव है ये भिक्खनपुर। और ये रोड तो यहाँ पर पहले से ही था, बस उस रोड को जमीन के अंदर कर दिया जा चुका है, यानी कि अंडरपास के जरिए उसे आगे की तरफ निकाल दिया जा चुका है। ट्रेन इसके ऊपर से निकल जाएगा और इस अंडरपास के जरिए हम और आप निकल जाएंगे यहां से। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग देख रहे हो आप, जो कि NCRTC का कमांड सेंटर भी होने वाला है, और जितने भी ट्रेनें इस RRTS परियोजना के ऊपर दौड़ेगी उनका कंट्रोल सेंटर भी यही होगा। तो यहाँ पर ना इन्होंने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हुए यहाँ पर एक सोलर ट्यूब लाइट लगाई। ये ऐसा लाइट होता है ना कि ये सूरज की रोशनी को ट्यूब के जरिए उस जगह तक पहुंचाता है जहां पर आपको रोशनी चाहिए। इसमें ऐसा है कि इसमें आपको कोई जैसे सोलर पैनल की तरह पूरा एक प्लेट लगाओ फिर बैटरी लगाओ अगर आपको ऑफलाइन वाला इन्वर्टर चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इस सिस्टम के ऊपरी वाले हिस्से को छत पे आप इंस्टॉल कर दो, और नीचे एज इट इज ये लाइट की तरह ही दिखता है और लाइट की तरह ही रोशनी देता है। 30 जगह है जिनको आइडेंटिफाई किया इस बिल्डिंग के अंदर, और उन 300 जगहों पे इनको लगा कि यार यहाँ पर तो लाइट हर वक्त जरूरी होगा, तो इन्होंने क्या किया कि दिन के वक्त एनर्जी सेव करने के लिए ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट अपडेट तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का काम किया जा रहा है इसके पैकेज वन पे, लेकिन आज तो आप इस ट्रेन का आनंद लीजिए। जी हाँ, और आज तो आप इस दुहाई डिपो का आनंद लीजिए।
कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।